ये देखिए, ये थिएटर की रिटर्न्स की सेरेमनी। अरे कुछ नहीं लिखेंगे, आप करो तो सही। हम सारा अच्छा अच्छा लिखेंगे। अच्छा सर मास्क, अच्छा सर मास्क थोड़ा कर लो, एक बार के लिए कर लो। हाँ ये एक बार, अक्षय सर थोड़ा सा कर लो। अक्षय सर ऊपर 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 सर वैक्सीन। अक्षय सर सर थोड़ा सा मास्क कर लो ना, हल्का सा। चलिए चलिए चलिए। अक्षय भाई एक चीज जो गारंटीड है वो ये कि जिसे हम एज ऑफ द थ्रिलर कहते हैं ना, वो 19 तारीख को हमें देखने को मिलने वाली है। बट एक सवाल जो सब हर कोई यहाँ पे पूछने वाला होगा, और मैं उनके बिहाफ पे पहले पूछ देता हूँ, 2 साल से जितनी भी मूवीज हैं वो बहुत डर रहे थे, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं डायरेक्टर्स हैं, सिनेमा में रिलीज करने के लिए उसे। तो ये एक बहुत बोल्ड डिसीजन था कि एक बड़े पर्दे पर सिनेमा को रिलीज करना, फिल्म को रिलीज करना, तो ये डिसीजन आपने कैसे लिया? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। बड़ा अच्छा लगा इतने बड़े थिएटर में आके एक ट्रेलर देखा, भले ट्रेलर देखा, बहुत बहुत खुशी है कि 19 तारीख को फिल्म रिलीज होगी और सब बड़े बड़े थिएटरों में लगेगी। एक बहुत मतलब आई डोंट नो कि आप लोगों को कैसी फीलिंग आ रही है, लेकिन 2 साल हो गए कुछ इतने बड़े थिएटर में कुछ भी देखा नहीं, बस वही टीवी के ऊपर देखते रहे हैं। तो जहाँ तक कि इनका सवाल है, तो मैं ये कहूँगा कि रेस्टोरेंट में खाने का मज़ा बहुत अलग मज़ा आता है। अब होम डिलीवरी कब तक करते रहेंगे? तो बस अब वक्त है कि आए लोग पिक्चर देखें, लेकिन अपनी सेफ्टी के साथ सब कुछ ध्यान रखते हुए, जैसे कि कहा गया है सरकार ने, जैसे बोला है उसका ध्यान रखते हुए प्रोटोकॉल के हिसाब से हम फिल्में देखें, ताकि ये चलता रहे। बस यही उम्मीद रखते हैं कि फिर कभी बंद ना हो। बस क्या बात है, एक बार जोरदार ताली अक्षय भाई के लिए। सर मैं रेडियो में काम करता हूँ और रोज शो करता हूँ, पर एक चीज जिससे मैं बहुत परेशान हो गया था पिछले 2 सालों से, रिपीटेटिव एक ही गाने बार बार प्ले करने पड़ रहे थे। आपने एक बहुत बड़ा एहसान किया है, फिल्में आप वापस बड़े पर्दे पे लेके आ गए हैं। सो ये पहली फिल्म है, आई एम श्योर इसके बाद जैसे ही अब आपने थिएटर्स को ओपन करवाया है, आप बहुत सारी और फिल्में रिलीज होंगी और रेडियो पे बहुत सारे गाने सुनने को मिलेंगे। मेरी हीरोइन वाणी कपूर जी को कहूंगा कि ऊपर आए, और साथ में मेरी हीरोइन लारा दत्ता जी को कहूँगा कि ऊपर आए। फिर मेरे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो भाई बहन, जैकी बगनानी, हनी, ऊपर आए। एक बार जोरदार ताली हो जाए और आके मीडिया को फेस करें। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिल्ली, आई एम सुगंधा फ्रॉम एचडी सिटी। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जैकी, हाउ डू यू थिंक इट्स अ बिग डिसीजन, यू नो महाराष्ट्र में थिएटर्स नहीं खुले हैं, तो आर यू काइंड ऑफ वरीड, बिकॉज़ इट्स काइंड ऑफ बिग रिस्क, महाराष्ट्र इज सच अ बिग मार्केट। नो एक्चुअली आई वाज नॉट वरीड, ऑफ कोर्स Maharashtra contributes for almost 30%, but I think for Bell Bottom, I think we are just happy with Akshay sir's leadership. We are happy to be the flag bearers, and this is for the fraternity. We are very, very happy that this is coming in theaters, and that's the most important thing. And
yes, business is important, but for this film especially, I feel the biggest box office is that we are coming in theaters. Aur koi bharosa nahi, keeping our finger crossed. अभी भी 18 दिन बाकी या 17 दिन बाकी कुछ भी हो सकता है। और अक्षय सर, आपसे पूछना चाहूंगी, इंडिया कल मैच करेगी वुमेन्स हॉकी टीम अगेंस्ट अर्जेंटीना एंड इट्स कंसीडर्ड एज रियल चक दे मोमेंट, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? मेरे लिए गोल्ड मोमेंट है। सुपर। Okay, so you did see me in the trailer. I'm playing Mrs. Indira Gandhi. That's me. Oh. Yes, questions? Hi Akshay, Amit Bhatia from ABP News. First of all, trailer aapka bahut shandar hai, bahut acha. Acha, ye puri film aapne idhar. Ye puri film start to finish foran jaake. तो आपको लगता है कि खिलाड़ी तो आप पहले से थे, खतरों के असली खिलाड़ी इस फिल्म से साबित हुए, या फिर कितना डर आपको लगा कोरोना काल में पूरी फिल्म शूट करने का? एक्चुअली इसका श्रेय मैं जैकी को और उनके पिताजी वाशु बगनानी जी को देना चाहूंगा कि इन्होंने इतना बड़ा रिस्क उठाया कि यहां से 225 लोगों को ले गए और वहां जाके इन्होंने शूट किया, जबकि पूरे प्रोटोकॉल के साथ, पूरे परमिशन के साथ इतना बड़ा रिस्क उठाया। आई वुड गिव अ बिग हैंड एंड बाउ टू हिम एंड हिज डैड बिकॉज दे डिड समथिंग व्हिच वाज अनबिलीवेबल एंड दे वर द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू शूट अ मूवी। आई वुड लाइक टू ऐड, सर इज बीइंग हम्बल, इफ ही डिडंट एग्री टू इट वी वुड नॉट बी एबल टू डू इट, सो इट्स अ टीम एफर्ट। क्या बात है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Releasing a film on a digital platform and then having a movie released in. अच्छा, तो आप लक्ष्मी के बारे में बात कर रही हैं। हाँ, उस वक्त तो खुला ही नहीं था, तो फिल्म को लेके बैठा हुआ था, तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता है, कुछ तो करना चाहिए था, तो फिर उस हिसाब से कर लिए। हाय, नेक्स्ट क्वेश्चन। चेक। हाय। या उनको। ओके ओके शाम। Hi everyone, this is Simran from ANI. Congratulations on Bell Bottoms. Sir, Akshay sir, my question is for you. Sir, theaters reopened in Delhi after a long time. You belong from Delhi. So, aapki koi childhood memory ho theaters ki, Delhi theaters ki, ya kabhi aapne bachpan mein bina ticket ki movie dekhi ho, kuch aisi koi childhood memory if you can recall. Nahin, maine bina ticket ki koi picture nahi dekhi. मैंने हमेशा टिकट लेके ली है, मतलब पिक्चर देखी है। और मेरा जन्म इधर ही दरियागंज में चांदनी चौक के करीब ही हुआ था, और वहाँ बहुत सारे सिनेमास थे, जुबली, गोलचा, डिलाइट, बहुत सारी फिल्में देखी है वहाँ। मुझे अभी भी याद है कि ब्लैक में टिकट लेके मैंने फिल्म देखी थी, अमर अकबर एंथनी, बहुत बारिश पड़ रही थी तभी, और कैसे भी करके देखनी थी वो फिल्म, वो बहुत ज़रूरी था अमर अकबर एंथनी देखना, एंड जाके वो फिल्म देखी थी। वो मैंने टिकट नहीं मिली थी तो हम अम्बा में जाके देखी थी, अम्बा सिनेमा, तो बस वो याद है अच्छी तरह। वो है ना, कोई कोई चीज़ें, कोई कोई फिल्में याद रह जाती हैं कि कैसे मुश्किल से जाके फिल्म देखा, तो वो एक फिल्म थी जो हमेशा याद रहेगी। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव टू क्वेश्चंस। पहला ये कि मैंने जो ट्रेलर देखा है, इसमें मुझे बहुत सारे मीम मटेरियल्स दिख रहे हैं, तो आई वांट टू नो कि आप जब अपने मीम्स खुद फेसबुक या इंस्टाग्राम जहाँ पे भी देखते हो, तो हाउ डू यू रिएक्ट ऑन दैट? अच्छा लगता है, मजा आता है। सेकंड क्वेश्चन इज दैट फॉर यू कि आफ्टर, मतलब अभी रिसेंटली हमने चंकी पांडे को इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने एक बहुत, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी बात बोली थी कि ओटीटी स्पेस चाहे कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन वो थिएटर्स की जगह नहीं ले सकता। सो आई वांट टू नो पर्सनली कि आपको क्या लगता है कि क्या फ्यूचर में कभी ओटीटी जगह ले सकता है थिएटर्स की? जी देखिए, वो जगह लेने वाली बात ये है कि वो एक अलग प्लेटफॉर्म है, उसका मजा अलग है, और इसका मजा पूरे परिवार के साथ बड़े स्क्रीन के ऊपर देखना, इसका मजा अलग है, यू कैन नॉट मैच इट। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक है आपके पास? माइक दो, रवि को दो, या 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 आगे भी तो दे दो किसी। हेलो मैम। हाय सर। मैम। या हाय, दिस इज रवि फ्रॉम पीटीआई।
So my question to you is, you know, all eyes are there on Bell Bottom, and do you feel the pressure that people are expecting this film to revive the industry? Pressure to sabhi ke upar hai, but I'm very sure things are going to work out, and एक चैलेंज है और एक ये कहूँगा कि एक रिस्क है, लेकिन जिंदगी में रिस्क अगर लिया नहीं तो क्या किया, तो वी हैव गॉन विद इट, एंड मेरे साथ रिस्क लेने के लिए मेरे प्रोड्यूसर साथ में रहे हैं, एंड दैट इज़ अ बिग थिंग. उन्होंने जब मेरा हाथ थामा, मैंने उनका हाथ थामा, सो इट वॉज गुड, वी स्टार्टेड प्रोसीडिंग एंड इट्स ओके. Firstly, though, all it took was a call saying, Laya, this film is being made and we're casting for Indira Gandhi's role. And that's all it really took before I even heard the script. But yes, of course, there's a great responsibility when you're portraying somebody who's an iconic figure like her. And I hope all of you will go into the theater and watch the film. But it was very important to get her body language right. As you all know, the film deals with the hijack situation that happened during Miss Indira Gandhi's tenure. So given the dramatic events that were unfolding, she was always somebody who was extremely centered and never really prone to dramatics. So it was very important to portray her in that form. And I had a great time. There was a lot of homework, there was a lot of research that went on behind it. But it was obviously an opportunity of a lifetime that I'm very thankful for. There's one more question for the entire team. What all difficulties did you face during the shooting of the film in pandemic? Nothing. Our sari difficulties Vashu Bagnani and Jackie Bagnani did. So our poor no difficulty didn't come. Just we had a little bit of क्वारंटीन में रहना पड़ा, उसके बाद हमने शूटिंग की और फिर शूटिंग करके 90% फिल्म वहाँ शूट करके यहाँ आ गए. ऑलराइट, आप सभी को मेरा नमस्कार. मैं भारती सिंह, आवाज भारती से जी. मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी, जो बेल बॉटम फिल्म है, ये समाज को क्या संदेश दे रहा है? संदेश ये एक ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है, तो उस वक्त क्या हुआ था वही संदेश दे रहा है, वही आपको बता रहा है कि क्या क्या हुआ था. और आप देखिए उस वक्त कैसे जो हमारे स्पेशल एजेंट्स थे उन्होंने कैसे काम किया था उसके बारे में. और अक्षय जी और वाणी जी की जोड़ी पहली बार सिनेमा में सामने आ रही है, तो कैसा लगा आपको साथ काम करके? No, I was very happy. My father is actually a huge fan of Akshay sir, and so am I. Actually, everybody in our family knows, has practically, we've watched all your movies. Thanks. But it was a blast. I think he's one of the funniest human beings, in a good way. Like, But he's funny, he's a great sense of humor, he's a great actor, he's approachable. He takes care of his team, of everybody on set. You feel like a very family environment, you know. And it was a very new experience for me because we used to sit together, have lunch together, dinner together, offset, onset, all the time. Like, he was just like out there for you, you know, with his full support. So it was incredible. Great experience. Did you have a good experience with me? Yeah, I had a great experience working with Vani Kapoor. Aniji is a beautiful girl. She, बुरा ऐसे लिख सकता हूँ, but I really enjoyed working with her. She's very talented. She's a wonderful actress. जो मतलब मैं कहूँगा, जो मैंने अपनी 40वीं फिल्म के अंदर सीखा था, मतलब एक्टिंग कैसे करता था मैं, वो इसने पहली या तीसरी फिल्म में ही कर लिया. Hi, this is Uday here from NewsX. Firstly, congratulations to the entire team. I think the trailer looks amazing. And I think the cheers, you know, just showed the response, of course, of people over here. The team has given the credit to both of you. So I have to ask Jackie and Hani, how was it like, you know, taking that decision actually to go and shoot this film, you know, after that first wave? And you know, what kind of protocols did you put in place? How was that shoot and the experience? Tell us a bit about it.
It was a tough decision when we decided to take this. And, you know, health being paramount for all of us, when we sat down and made our plans, it was very important to make sure that everyone's health safety was kept in mind. We made different sections. We decided how we'll go about with the shoot. And yes, and then we convinced everyone to go. And we're very lucky and very grateful that we pulled it off without a single person getting the virus. So that's how it was. We're looking forward to watching the film. Akshay, a quick question to you as well on the Olympics, which are on. You're, of course, a sports lover. We keep seeing your tweets. But are you enjoying watching India's performance this time? Oh, yes, I'm very proud. And I'm waiting for tomorrow's match to start with. So we're all waiting for it now. That's all. Last question. हाँ जी हिमांशु जहाँ भी हो हाँ सर तो बेल बॉटम की अगर बात करें तो बेल बॉटम के बाद आपकी कोई सबसे ज्यादा फिल्म का वेट है तो वो है सूर्यवंशी का जी तो क्या अपडेट है सर क्योंकि मुझे लग रहा है अब तक की सबसे बेस्ट एक्शन फिल्म होने वाली है वो जिसका आई थिंक सब वेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में आप डेट के बारे में कब आएगी डेट और मतलब उसके बारे में दो दो इंसान जानते हैं एक भगवान जानता है रोहित शेट्टी जी जानते हैं मैं तो नहीं पता कब आ रही है वो ही बताएंगे अभी कब आ रही है लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्द आई जानी चाहिए अब क्योंकि सारे सिनेमास खोल रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते तो जैसे ये खत्म हो जाएगा मुझे लगता है आ जाएंगे चाहिए अगले महीने या अगले टू अगले महीने जैसे भी हो मुझे भी पता लग जाएगा आपको बता दूंगा मैं और कुछ थैंक यू मैडम कब से बोल रही है प्लीज पूछिए आप Hi Akshay sir, I'm Saloni from TV9. So I wanted to ask, आपको क्या लग रहा है अब जिस तरीके से ये इवॉल्व हो रहा है अभी भी आर गेटिंग द न्यूज की थर्ड वेव भी आ सकती है तो डू यू थिंक जो भी OTT ने फिलहाल ये पिछले दो सालों में गेन किया है एंड पीपल आर एक्चुअली बिकॉज दे डोंट हैव चॉइस अभी टू बी ऑनेस्ट देखने का बट डू यू थिंक डेढ़ दो साल बाद अचानक जो थिएटर का वो रुतबा था वो वापस आ सकता है बिल्कुल आ सकता है बिल्कुल आ सकता नहीं आएगा आएगा एंड आपने जब अभी पूरा ये बेल बॉटम की शूटिंग करी एंड पहले जो आपका ये OTT वाला थिएटर रिलीज था उसमें आपको क्या डिफरेंस लगा जो आपने अभी शूट किया और उसमें अगर आपको कोई एक मेजर पॉइंट जो आपको एक चेंज का दिखा एक्सेप्ट दैट क्वारंटीन पार्ट आपको एक जो मेजर चेंज लगा वो क्या था हमें पता ही नहीं चलता कि मास्क के पीछे कौन है हम पता ही नहीं चलता है जब वो मास्क उतारते हैं जब शूटिंग के लिए आते हैं तब पता चलता है बस यही चेंज है थैंक यू वेरी मच ये वो फिल्म है बेल बॉटम व्हिच इज गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री आज एक खुशियों की चाबी अक्षय सर सभी को सभी सिनेमा ओनर्स को प्रेजेंट करने वाले हैं बिकॉज इस फिल्म से ना ही सारे सिनेमा हॉल्स खुलने वाले हैं बल्कि हम सबकी एंटरटेनमेंट की चाबी खुलने वाली है एक बार जोरदार तालियां हो जाएं।